अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। रोज़े का टाइम हो रहा है माशाअल्लाह से, और अफ्तार हम तीसरा रोज़ा है, लेकिन हम जो है वो दूसरा अफ्तार करेंगे यहाँ हरम में। ये है कि ऊपर ही थे लेकिन जगह नहीं थी बहुत बैठने की, लोग बहुत आ रहे थे माशाल्लाह से, इतना रश है। तो जो है वो बहुत मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। इतने लोग आए हुए हैं सारे बैठने के लिए, और जो है वो अभी जो है वो माशाल्लाह से तवाफ भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना प्यारा मौसम, थोड़ी थोड़ी हवाएं चलने लगी हैं, मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ मंजर। ये रोज़ा खोलने के बाद जो है ना, फिर मैं जो है वो छत पे चली गई थी। मेरे हस्बैंड जो है मुझे छत पे लेकर गए कि आओ जो है ना वहाँ पे तरावी पढ़ते हैं। इतना प्यारा खूबसूरत हसीन मंजर लग रहा था माशाल्लाह से वहाँ जाके, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। सबसे ऊपर टॉप जो छत पर है ना, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जो है ना हमने तरावी पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उस दिन, जो है बहुत प्यारा खूबसूरत मंज़र था। और जो है वो तरावियाँ पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया। इशा की नमाज़ पढ़ी हमने, फिर उसके बाद ये देखें कितने लोग मौजूद थे, यानी कि आप हर जिस भी फ्लोर पे जाएंगी वहाँ पे इतने ही लोग नज़र आएंगे माशाल्लाह से। तो बहुत प्यारा मंज़र था। अभी हम खाना खाने के लिए आए हुए हैं और तरावी वगैरह पढ़कर आए हैं, और हमारा दिल नहीं करता होटल में खाने का, पसंद नहीं आ रहा। कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता। आज भी हमने सोचा, वैसे भी ट्राई करना चाहिए, तो आज हमने जो है वो मंडी सोचा कि मंडी ट्राई करते हैं, और होटल में आए हैं। आपको दिखाती नहीं क्या है, लेकिन लोग बहुत ज़ाया कर करके जाते हैं। देखें ये लोग ज़ाया करके बस खा के और आधा छोड़ छोड़ के चले गए। आपको मैं दिखाती हूँ कि हम क्या खा रहे हैं। ये देखिए हमने जो है वो मंगवाए, एक है बारबेक्यू चिकन और एक जो है वो ग्रिल चिकन। तो वो खाते हैं खाना। चलें जी खाना में स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। ये दूसरे दिन का है, और फजर की नमाज़ जो है वो पढ़ने में गई थी। तो ये फजर के टाइम का मंज़र है, इतना खूबसूरत माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा था। ये देखें सुबह के 6:45 बज रहे हैं, फजर की नमाज़ के बाद जो है वो सब जा चुके थे, और फिर उसके बाद जो है हम भी जो है वो निकलने के लिए अपने होटल की तरफ थे। तो इतना सुकून था कि दिल ही नहीं करता था यहाँ से जाने का। और जो है वो ये देखें, ये जालियों में से मैं दिखा रही थी कि बाहर का अंदर, ये हमारा सेकंड फ्लोर पे थे हम जो है। सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद बहुत प्यारा मंजर लग रहा था, जालियों में से बाहर का नज़र आ रहा था।
ये है कबूतर चौक, ये हमारे होटल का रास्ता आता है इधर से। सारे कबूतर बैठे होते हैं यहाँ पे, बाजरा वगैरह सब दाना वगैरह डालते हैं लोग आके। ये हमारा जबले उमर रोड चौक अल खलील। हम फजर की नमाज पढ़ के होटल की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की जो है वो अफ्तारी नफे रोज़ा और माशाल्लाह से जो है वो हरम में खुला है, और ये जो है किसी ने शोरबा दिया था, और ये जो है वो दमदम में भर के लेकर आई थी, और ये जो है वो जिन्होंने शोरबा दिया था उन्होंने वो बना के लेकर आई हुई घर से, तो उन्होंने एक ये दिया, एक खजूर दी, एक खजूर का बॉक्स मिला, और ये बन है, बन दिया गया। तो आज की इफ्तारी ये है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो भी मिल जाता है यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कुछ मिलता है किसी को कुछ मिलता है। और दो दिन से तो सिर्फ हम लोगों को खजूर और पानी मिल रहा था, आज जो है वो हमें ये सब देखने को मिला है, वो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। तो बस अब इफ्तार का टाइम होगा और इफ्तार करेंगे और फिर जो है वो नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा आप भी, और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अब मैं जा रही हूँ ईशा की नमाज पढ़ने, और माशाल्लाह से सामने से आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह, अगर कोशिश रहेगी कि सामने जो है वो खाने कावा है। ये देखें सुभान अल्लाह, वो देखें नजर, फिर जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो मैं ज़ोहर में आई थी, और ज़ोहर की जो अज़ान थी, नमाज जो थी वो सहन में पढ़ी थी, और यहाँ पर जो है फिर मैंने रोज़ा भी जो है वो सहन में ही खोला था। तो बहुत यहाँ पे दूसरे दिन जो थी वो बहुत ज़्यादा शदीद धूप वगैरह थी, तो देखें एक दिन जो है वो रात में इतनी ठंड हो जाती है और एक दिन जो है वो इतनी धूप हो जाती है। तो इतनी सारी ये सब जो है वो बिल्डिंग, ये सारे होटल्स वगैरह मौजूद थे, और ये सब होटल हैं सब। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज माशाल्लाह से छठा रोज़ा है, और मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हरम में रोज़ा खोल रही हूँ माशाल्लाह से। दो उम्र हो चुके हैं, पहला तो किया था और दूसरा जो है वो बड़ा उम्र किया था जो है। अब जो है हम रोज़ जो है वो हरम में जो है वो रोज़ा खोलते हैं। कहीं जाने का दिल ही नहीं करता कि जो है हम कहीं जाएं आए, तो बस यही होता है कि फजर 3 बजे हम आते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, फिर वापस चले आते हैं, फिर थोड़ी देर सोते हैं, फिर जहर हो जाती है, जहर में आ जाते हैं, फिर हम तरावी तक यहीं रहते हैं बस, फिर खाना वाना खा के फिर हम होटल चले आते हैं। मतलब हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो यहीं गुजरता है, वो अच्छा ही लगता है, कहीं जाने का दिल ही नहीं करता हमारा। तो हालाँकि जो है वो मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन जो है वो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम आराम कर लो होटल में, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, मुझे वहीं जाना है, तो हम यहीं पर ही आ गए थे। उनका भी दिल नहीं लगता, ये होता है कि वहीं पर ही हम रोज़ इफ्तार करें सब करें, तो
हम जो है यहीं पे खोल रहे हैं। अभी हमने जो है वो दो रोज़े तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे हरम के फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे खोले थे, तो फिर उसके बाद जो है हम नीचे आ गए थे। आज भी हम रोज़ा जो है वो यहाँ सहन में, हरम के सहन में है, यहाँ पे खोल रहे हैं। बहुत धूप बहुत हुई हुई है, बेइंतहा शदीद गर्म हुई हुई है धूप, और गर्मी भी है बहुत ज़्यादा। और ये फ़ैन चल रहे हैं पीछे, फ़ैन में से इन्होंने जो है वो पानी का आबशार निकलता है। ये देखें आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें नज़र आ रहा हो शायद, तो ठंडे पानी के लिए, ताकि हाजियों को, हाजी हाजी कहते हैं यहाँ पे सबको जो उमरे पे आए होते हैं, या तो उनको ना या हज वाले होते हैं उनको तो हाजी कहते हैं, लेकिन जो उमरे पे आते हैं उनको भी हाजी कहते हैं। तो उनके लिए और सबके लिए, जैसे जब जो रोज़दार हैं और मस्जिद में आए हुए हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, गर्मी बहुत है, शिद्दत वाली गर्मी है, धूप, और जो सूरज जो है बिल्कुल एंड ऊपर है, और हम सहन में बैठे हुए हैं, तो जगह मिलती नहीं है। लोग जो है वो ज़ोहर से आके बैठ जाते हैं या असर से आके बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो असर से आके बैठ रहे हैं लोग। अब आए नमाज़ पढ़ी, जिनको जाना होगा, जो यहाँ के मकामी होते हैं वो चले जाते हैं, वो यहाँ नहीं बैठते, वो बस नमाज़ पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो उम्रे वगैरह पे आए हुए हैं तो वो लोग बैठे रहते हैं, फिर जगह नहीं मिलती बिल्कुल भी। कल भी ऐसे ही हुआ, ज़रा सी बस जगह मिली और फिर खाने को भी नहीं मिलता। अब जब बस ये होता है कि खजूर वगैरह मिलती है, कल तो हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थी तो वो मिल गई थी, एक पकौड़ी और एक कावा और बन दही, यहाँ पे बस ये चीज़ें मिलती हैं, बाकी और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती इस तरह की। बस जिसके जो नसीब में आ जाता है वही मिल जाता है, यहाँ पर ये है। बाकी अब तो बहुत वैसे कम कर दिया है, पहले मेरे जब अब्बू थे सब बताते थे कि बहुत बांटते थे, बहुत अफ्तारी वगैरह कराते थे, अब नहीं होता। अब जो है वो पैकेट बना देते हैं, यहाँ की गंदगी ना वगैरह ना हो तो वो पैकेट वगैरह बना देते हैं। तो क्या करते हैं कि पैकेट में एक जूस होता है, पानी की बॉटल होती है, खजूर होती है, बिस्किट होता है, और बस ये चीज़ें डाल के और पैकेट में दे देते हैं, तो वो लोग उसी वक्त खा लेते हैं। ये है यहाँ पे। तो बस जो है अभी भी जो है वो असर की नमाज़, फिर जगह ही नहीं थी तो यहाँ पर सहन में जगह मिली थी तो हम यहीं आके बैठ गए। मेरे हस्बैंड उस साइड पर हैं, वो आदमियों की जगह पे, मैं औरतों की जगह पे हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कितना रश है, और धूप भी बेइंतहा की धूप है, शदीद वाली, मेरी कमर पे ऐसे लग रही है गर्म शिद्दत वाली। ये देखें, ये मेरी जगह है, मैंने जा नमाज यहाँ पे बिछाई हुई है और यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये ग्रीन ग्रीन जो बैठे होते हैं ये जो है अफ्तारी वगैरह बांटते हैं। बाकी ये मस्जिद है, धूप हो रही है, असर के 4:30 बज रहे हैं, असर की अभी नमाज़ हुई है, और जो नमाजी जाने वाले होंगे हाजी वो जा रहे हैं नमाज़ पढ़ के। बाकी ये धूप, बस यहाँ पर बैठे हुए अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो 2 घंटे हैं, जगह बना के सब लोग बैठ जाते हैं कि कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे देखें सब जगह जगह बना के अपनी अपनी बैठे हुए। हाँ, ये हरम के बाहर सहन में मैं आज रोज़ा खोल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगर मौका लगा तो दिखाऊंगी दस्तखान बिछता है, तो उसमें जो है वो दस्तखान पे तो कुछ भी नहीं आता, बस पैकेट बने हुए होते हैं, वो फ़ौरन उठा लेते हैं नमाज के लिए, बस वो अपने हाथों में लेकर बैठ जाते हैं जो भी कुछ होता है। यहाँ आबे जमजम जो है वो अब लगा दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, 5 बजे सब लेकर जा रहे हैं। वैसे उस टाइम पे आबे जमजम नहीं होता, लेकिन जो है वो मगरिब से पहले, 1 घंटा पहले, आधा घंटा, 1.25 घंटा पहले जो है वो जमजम के जो है वो रख दिए जाते हैं, कूलर बड़े बड़े, फिर उसमें से लोग भर लेते हैं, तो ये करते हैं। यहाँ पर देखें कूलर लग जाएगा यहाँ पर, तो सब भरना शुरू हो जाएंगे। बस अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, दिल ही नहीं करता, बस दिल करता है दुआएं मांगते रहें। अब यहाँ पे जो ये जब मैं बना रही हूँ, मैंने नमाज वगैरह सब पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद मैंने कहा चले आप लोगों को भी अपडेट देती रहूँ, आप लोग भी इस तवस्सुत से, मेरे चैनल के तवस्सुत से देखते रहेंगे,
दुआएं करते रहेंगे, आप लोग भी दुआ करते रहें, क्योंकि ये लाइव ही मनाजिर हैं मेरे, एक दो दिन ये ही होता है तो फिर मैं फ़ौरन डालने की कोशिश करती हूँ, टाइम मिलता नहीं है यहाँ पे नमाज़ वगैरह का किसी चीज़ का के बाद, बस नमाज़ पढ़ते रहो करते रहो, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता किसी और चीज़ के लिए, इबादत में होता है और इस तरह गुजरता है ज़ोहर असर मग़रिब इशा पता ही नहीं चलता है यहाँ पर टाइम का। तो बस हम लोग इबादत वगैरह करते रहते हैं, अब तो इतने रास्ते याद हो गए, गेट वगैरह मेन गेट 79 है, बाबुल अब्दुल अज़ीज़ गेट है, तो वहाँ ही से ही एंटर होते हैं। अच्छा औरतों को तो जाने देते हैं और आदमियों को रोक लेते हैं, अगर जो वो होते हैं ना जैसे नॉर्मल कपड़ों में उनको नहीं जाने देते, अगर अहराम में होते हैं तो उनको जाने देते हैं अंदर, वैसे नहीं जाने देते। तो बस यही है, आपको मैंने सोचा दिखा दूँ, इंशाल्लाह जो है वो अफ्तार के टाइम पे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने हुक्म हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस जो है जब तक के लिए अल्लाह हाफिज कहती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी फिर। एक एक लाइन में जो है वो बॉक्सेस रखे हुए होते हैं दो दो, और बस जिसके नसीब में हो जाते हैं वो मिल जाते हैं ये अफ्तार के बॉक्सेस वगैरह जो है। अब जो है वो फिर उसके बाद जो है वो रोज़ा के बाद बस जल्दी से फटाफट जो है वो नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर नमाज़ पढ़ने लगते हैं। इन्होंने दस्तखान बिछा दिए हैं, तकरीबन 5:30 बज रहे हैं, 5:45, इन्होंने दस्तखान जो है ये बॉक्स रखा हुआ है, और ये जो है वो बॉक्स, ये इफ्तार का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको ये एक एक पैकेट मिलते हैं। ये जो आंटी खोल रही हैं ये एक एक पैकेट, सबके पास एक एक पैकेट रखे हुए, जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला वो नहीं मिला। ये अफ्तार में जो है वो इन्हें खजूर जो है वो गिफ्ट दी, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह।